कौन सा अधिकारी करे और कौन उद्घाटन करे पूरा लिखे सोगा था, किस हेड में आया वो हमारे बसवा कल्याण में टोटल एरिया बैकवर्ड है वो लगाना चाहिए, सभी डेवलपमेंट लोगों को दिखना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो CMC का लिमिट में बसवा कल्याण CMC लिमिट दली इन अभिवृद्धि आगदव जो जो भी डेवलपमेंट हो गए कहाँ का क्या डेवलपमेंट हो गए बोर्ड लगाना चाहिए, हर एक वार्ड में कॉरपोरेटर का नाम और कौन सी पीरियड में क्या डेवलपमेंट चल रहा और क्या हो गया, कौन सी डिपार्टमेंट काम कर रही, ये सभी लोगों को उन लोग जो ऑफिसर्स और CMC के सदस्य लोगों को बताना चाहिए। बसवा कल्याण में हर एक वार्ड में हर एक एक स्कीम जो है वो लोगों को वार्ड सभा बनाते हुए उन्होंने लोगों को अवेयर करके फूड डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आंगनवाड़ी हो, नहीं बोले तो भी CMC लिमिट में 44 डिपार्टमेंट आते, 44 डिपार्टमेंट के अंडर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, हम कभी भी बसवा कल्याण का डेवलपमेंट के लिए वो पार्टी ये पार्टी विचार नहीं है हमारा, हम सपोर्ट करने के लिए कभी भी CMC को तैयार हैं, इंडस्ट्रीज नहीं हैं, हम एक एक रिक्वेस्ट करते हैं इस एरिया में कोई तो कोई एक दो चार बड़ा इंडस्ट्रीज आना बोल के हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हमारे एक्स CM और प्रेजेंट मिनिस्टर जगदीश शेट्टी साहब को हम रिक्वेस्ट करे सोएं, हमारा मोस्ट बैकवर्ड एरिया है बसवा कल्याण, इस एरिया में कुछ ना कुछ हमारे एरिया को डेवलपमेंट को आप इंडस्ट्रीज लाने सकता, अच्छा KIDB इस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जगह बना के नए इंडस्ट्रीज लाने में हमको सपोर्ट करो बोले तो उनकी उम्मीद है आने वाले दिनों में इस एरिया में डेवलपमेंट को सपोर्ट के लिए टैग तुम बोल के बोले। 12 लोग मंग रहे लेकिन सबसे पहला हक मेरा है, नंद हो हक की दे नान बिट बंदी त्याग मार बंदी। MLA को बिना कुछ नहीं सोचे मेरा एक ही सोचता डेवलपमेंट होना सरकार बनना, मैंने MLA को त्याग करके आए सो मेरा हक है। कई ऐसे लोग हमारे पास मंग गए और पहले के पुराने कैंडिडेट श्रीमान संजय पटवारी जी उन्होंने भी बसवा कल्याण के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने भी एक बार चुनाव लड़े सो हैं, उन्होंने भी बसवा कल्याण के हकदार हैं। OBC में हमारे जिला पंचायत के मेंबर गुंडू गड्डी जी भी पूछ गए, हमारे बसवा कल्याण के पहले के माजी जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल भुसारे जी पूछ गए और भी लोग हमारे विजय मंटाले पूछ गए, लता हरकुड़े लेडीज में उन्होंने पूछ गए, बसवा कल्याण में हमारे अटूर के बीरभट्टी जी पूछ गए और हमारे बसवा कल्याण के प्रदीप वाताड़ी जी पूछ गए, अरविंद मुत्ते पूछ गए, रवि चंदन के गए, सुधीर काड़ादी जी हैं, लेकिन सबके साथ मैं भी हूँ, हक मेरा है और सबके साथ मैं हूँ, सब मिलके ऑलरेडी सब मिलके बसवा कल्याण में काम करने की तैयारी में हम लगे सोएं। नया साल जैसा भी आता है 2021 में सब एकता से जुट होके और बूथ वाइज काम करने के लिए हम तैयार होके बैठे सो। मैं मोदी जी का सोच लेके आए सो हूँ, मैं कमीशन खा के MLA बन के लूटने के लिए मैं आए सो हूँ नहीं, मैं एक ही सोचा था ये जो वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट बसवा कल्याण है ये सोच सभी लोगों में आना और प्रधानमंत्री जी अभी जो पार्लियामेंट का फाउंडेशन का ओपनिंग में जब हमारा बसवा कल्याण का नाम लेके बसवण्णा जी का काम करे सो लेके अनुभव मंडप का विचार लेके पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बताए उसको भी हम अभिनंदन देते हैं क्योंकि वो सोच है इस भूमि में है। और जब बसवा कल्याण को जब हमारे राज्याध्यक्ष जी आए थे हमने उनको रिक्वेस्ट करे क्या रेलवे स्टेशन बनना है, इस एरिया में स्कूल बनना, इस एरिया में कॉलेजेस बनना, इस एरिया में एक मेडिकल कॉलेज बनना, हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी हम लोग नया 600 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए सो है, एक नहीं कम से कम हम 33 डेवलपमेंट का उनको प्रपोजल दिए सो है। कोविड आए सो है, कोविड आने में सभी तरफ थोड़ा देर हो गए, फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एरिया में उन्होंने जो भी डेवलपमेंट करना है उन्होंने ना नहीं बोलेंगे सभी मंत्री लोग और सपोर्ट करेंगे।